नमस्कार, YouTube चैनल Anuniverse 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स। सबसे पहले आपको बताना चाहें कि गियर बॉक्स क्या होता है। गियर बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो स्पीड और टॉर्क को चेंज करता है और वह इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच में लगा होता है। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स के बारे में कि इसका यह नाम कैसे पड़ा। कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स के अंदर जितने भी गियर्स होते हैं सभी गियर्स का एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंट मैसिंग रहती है और इसीलिए इस गियर बॉक्स को कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स कहते हैं। और इस गियर बॉक्स में जो गियर्स यूज़ करते हैं वो सभी हेलिकल गियर्स होते हैं, क्योंकि हेलिकल गियर्स की मदद से गियर को चेंज करना आसान होता है। अब बात करते हैं इस गियर बॉक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये इंजन है, इंजन के बाद फ्लाई व्हील लगा होता है, उसके बाद क्लच होता है, ये क्लच शाफ्ट है, क्लच गियर है। और यहाँ पे तीन शाफ्ट होती हैं इस गियर बॉक्स में। पहली क्लच शाफ्ट, जिसे गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट भी कहते हैं। दूसरी जो येलो कलर में हमें दिखाई दे रही है, इसे काउंटर और ले शाफ्ट कहते हैं। और तीसरी ये जो रेड कलर की हमें दिख रही है जिसपे स्प्लाइंस बने हुए हैं, वो होती है मेन शाफ्ट। तो इसके अंदर तीन शाफ्ट होती हैं। और जो मेन शाफ्ट होती है, मेन शाफ्ट पे जो गियर हमें वाइट कलर के जो गियर्स हमें नज़र आ रहे हैं रेड लाइंस के साथ, ये गियर्स मेन शाफ्ट पे लगे होते हैं और ये इस शाफ्ट के ऊपर फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें काउंटर और ले शाफ्ट की, इस शाफ्ट पर जितने भी गियर्स माउंटेड हैं, जो हमें ये पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं ब्लैक लाइंस के साथ, ये सभी गियर्स इस शाफ्ट पे फिक्स्ड होते हैं। मतलब कि मेन शाफ्ट पे जो गियर है वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं और जो ले और काउंटर शाफ्ट पे गियर है वो फिक्स्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं इस गियर बॉक्स के वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास पहला कंपोनेंट है इंजन। इंजन में जो पावर प्रोड्यूस होती है, वहाँ क्या होता है कि जो पिस्टन है, पिस्टन की मदद से हमें जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको पावर को कन्वर्ट करते हैं पिस्टन की हेल्प से रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। और उसके बाद कनेक्टिंग रोड की मदद से पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ की जो रोटरी मोशन है उसको फ्लाई व्हील में ट्रांसमिट किया जाता है, जो क्रैंक शाफ्ट के आउटपुट शाफ्ट के साथ अटैच होता है। और पहली कंडीशन क्या है कि क्लच हमारा इंगेज कंडीशन में होता है। अब हम बात करें, ये हमारे पास क्लच पैडल है, कि जब हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि जो हाइड्रोलिक हमारे पास जो फोर्स होगा, ये जो सिलेंडर हमारे पास है, ये क्लच का हमारा रिजर्वायर है और यहाँ से हाइड्रोलिक प्रेशर जाएगा। और क्या होगा कि जो क्लच में यहाँ पे प्रेशर प्लेट लगी हैं उनको वो मूव करेगा फ्लाई व्हील के अगेंस्ट। और फ्लाई व्हील के अगेंस्ट मूव करने से क्या होगा कि जो पावर का जो ट्रांसमिशन था वो डिसकनेक्ट हो जाएगा और इससे क्या होगा कि हमारा जो क्लच है वो डिसंगेज कंडीशन में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्लच पैडल को फिर से रिलीज़ करेंगे। और क्लच पैडल के रिलीज़ करने से क्या होगा कि जो प्रेशर प्लेट है वो फोर्स करेगी क्लच प्लेट को और वो इंगेजमेंट में आ जाएगा फ्लाई व्हील के, और जो पावर है वो हमारी ट्रांसमिट हो जाएगी जो गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट है वहाँ पर। तो ये सारा हमारा क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो पावर की ट्रांसमिशन हुई गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट पे, वो फ्लाई व्हील, क्लच मैकेनिज्म, इन सभी के माध्यम से यहाँ पर वो ट्रांसमिट हुई है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा अरेंजमेंट हमारे पास है इस गियर बॉक्स में, मेन शाफ्ट, ले शाफ्ट, क्लच शाफ्ट और दो क्लचेस लगे होते हैं। तो इसके अंदर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर एक, दो और तीन, पूरे सिस्टम में तीन दो क्लचेस लगे हुए हैं जो मेन शाफ्ट पे स्लाइड कर सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड पे, और इस पर रोटेट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि दो क्लचेस के द्वारा पावर को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। जो दो क्लचेस हैं वो मेन शाफ्ट पे लगे हैं, और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो दो क्लचेस हैं वो स्लाइड करते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे सिलेक्टर मैकेनिज्म है,
और सिलेक्टर मैकेनिज्म पे गियर शिफ्टिंग लीवर लगा है। गियर शिफ्टिंग लीवर की मदद से हम गियर को चेंज कर सकते हैं कि जैसा हम देख पा रहे हैं कि मेन शाफ्ट पे ये पहला गियर है, दूसरा गियर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और ये रिवर्स गियर हैं। तो इन गियर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं गियर शिफ्टिंग लीवर की मदद से थ्रू सिलेक्टर मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस सिलेक्टर मैकेनिज्म के द्वारा हम गियर को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको सिलेक्ट करने के लिए, ये जो डॉग क्लचेस है पहले नंबर का, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने से क्या होगा कि ये जो टीथ हैं डॉग क्लचेस के और जो टीथ यहाँ पे गियर्स के हैं रेड कलर में हमें नज़र आ रहे हैं, इनके साथ वो मैच कर जाएगा और हमारे पास जो पहला गियर है वो इंगेज हो जाएगा। और पहले गियर के इंगेज होने से क्या होगा कि जो पावर का ट्रांसमिशन है वो गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट से होता हुआ ये क्लच गियर से जाएगा। क्लच गियर कनेक्टेड है जो ले शाफ्ट पर ए गियर है इसके साथ, यहाँ मोशन ट्रांसमिट होगी, यहाँ से ले शाफ्ट के पहले गियर से पावर ट्रांसमिट होगी हमारी पहला गियर जो मेन शाफ्ट है, और यहाँ से पावर हमारी जाएगी यहाँ पे जो हमारे पास मेन शाफ्ट की आउटपुट है। तो यहाँ पे जो स्पीड हमें मिलेगी पहले गियर में वो स्पीड काफ़ी कम होगी लेकिन टॉर्क हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले गियर का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ टीथ काफ़ी ज़्यादा हैं एज कंपेरिजन टू जो नंबर ऑफ़ टीथ हमारे ले शाफ्ट के पहले गियर पर हैं, क्योंकि ये गियर हमारा ड्राइविंग गियर है और ये ड्रीवन गियर है। क्योंकि अगर हम स्पीड रेशो की बात करते हैं, स्पीड रेशो होती है नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रीवन गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर। तो अगर हम मान लें कि इसके 40 टीथ हैं और इसके 20 टीथ हैं तो 2:1 हमारे पास हुआ, तो 2:1 हुआ। तो इस प्रकार से पहले गियर में हमें स्पीड कम मिलती है और टॉर्क ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे गियर की कि गियर शिफ्टिंग लीवर से हम क्या करते हैं दूसरे गियर को हम कैसे लगाएंगे कि अब क्या करेंगे जो डॉग क्लच है पहले नंबर का इसको राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे। और राइट साइड में शिफ्ट करने से क्या होगा कि पहले नंबर का जो डॉग क्लच है वो दूसरे गियर के साथ वो इंगेज हो जाएगा। अब जो पावर ट्रांसमिशन होगी हमारी वो इस तरह से होगी, वो दूसरे गियर के थ्रू जाएगी। तो अब क्या हुआ कि जो दूसरे गियर का जो डायामीटर है पहले गियर के डायामीटर से थोड़ा कम है, और जो पहला गियर ले शाफ्ट पे है उसका डायामीटर दूसरे गियर जो ले शाफ्ट पे है उससे थोड़ा है, मतलब कि कम है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो स्पीड रेशो है उसमें चेंज आ गया और जो हमें जो स्पीड यहाँ मिलने वाली है आउटपुट शाफ्ट पे वो पहले गियर के मुकाबले वो ज़्यादा होगी और टॉर्क में रिडक्शन होगा। अब बात करते हैं तीसरे गियर की। अब तीसरे गियर को हम गियर शिफ्टिंग लीवर की हेल्प से चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो जो पहले नंबर का डॉग क्लच है उसको सेंटर पोजीशन में ले आएंगे और उसके बाद जो दूसरे नंबर का डॉग क्लच है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे जिससे वो थर्ड गियर के साथ वो मैश कर जाएगा। और इसके साथ मैश करने से क्या होगा, हमारी जो पावर ट्रांसमिशन होगी अब वो यहाँ से जाती हुई अब जाएगी वो तीसरे गियर के थ्रू, और तीसरे गियर से अब हम जो स्पीड हमें मिलेगी मेन शाफ्ट की आउटलेट पे वो दूसरे गियर से ज़्यादा होगी और जो टॉर्क में रिडक्शन है वो जारी रहेगा। अब जब चौथे गियर की बात करेंगे, चौथे गियर के लिए क्या करेंगे, जो डॉग क्लच है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और जिससे क्या होगा वो फोर्थ गियर के साथ मैशिंग होगी। उसके लिए फिर पावर ट्रांसमिशन का जो वे रहेगा वो ऐसे होता हुआ पावर ट्रांसमिट होगी हमारी चौथे गियर से, और हमें जो स्पीड मिलेगी आउटपुट पे मेन शाफ्ट की वो तीसरे गियर से भी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं पांचवें गियर की, जो टॉप गियर होता है। टॉप गियर के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास डॉग क्लच है दूसरे नंबर का उसको सेंटर में शिफ्ट करने के बाद जो तीसरे नंबर का डॉग क्लच है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने से क्या होगा वो पांचवें गियर के साथ वो मैश कर जाएगा और ये हमारा टॉप गियर है। अब पावर ट्रांसमिशन होगी हमारी यहाँ से होती हुई वो जाएगी पांचवें गियर के थ्रू, और जो स्पीड हमें आउटलेट पे मिलेगी मेन शाफ्ट के वो मैक्सिमम स्पीड होगी, और कह सकते हैं कि टॉप गियर के अंदर ही हमें मैक्सिमम स्पीड मिलती है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, जो क्लच शाफ्ट की जो स्पीड है
और जो मेन शाफ्ट की स्पीड है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। अब हम बात करते हैं रिवर्स गियर की। ये हमारा रिवर्स गियर है। रिवर्स गियर के लिए क्या करेंगे, गियर शिफ्टिंग लीवर की मदद से तीसरे नंबर के डॉग क्लच को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और जिससे क्या होगा कि वो मैश कर जाएगा रिवर्स गियर के साथ। और इसमें क्या होगा कि जो पावर अप जाएगी हमारी ऐसे होती हुई वो जाएगी जो गियर बी है, गियर भी रोटेट करेगा, बीच में एक आइडलर गियर लगा है और जिसकी मदद से हमारा क्या होगा, हमारी जो मोशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले जो हमारी मोशन थी वो क्लॉकवाइज थी और आइडलर गियर की वजह से क्या होगा, रिवर्स गियर मैशिंग में है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जिससे हमें रिवर्स डायरेक्शन में मोशन मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा जो स्पीड है उसकी वेरिएशन रहती है और जो टॉर्क है उसकी वेरिएशन रहती है। अब हम बात करते हैं कि जो स्पीड हमें, स्पीड या मोशन अलग अलग गियर के माध्यम से गियर बॉक्स के जो आउटपुट पर हमें मिलती है उसको यहाँ से भेजा जाता है डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल पे भेजा जाता है, और डिफरेंशियल से जो पावर हमारे पास है उसको ये जो रोड व्हील लगे हैं यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पीड रिक्वायरमेंट। सो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कॉन्स्टेंट मैश गियर के बारे में, कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स के बारे में कि यह कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। और अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।